नमस्कार, मैं श्वेता आपका वीवी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। धान से भरी ट्रॉली पलटी, बाल बाल बचा किसान, अव्यवस्था के साए में हो रही समर्थन मूल्य पर खरीदी। धान की खरीदी रीवा में किसान 3 से 4 महीने भारी मेहनत कर फसलों का उत्पादन करता है, लेकिन उसको बेचने में किसानों को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में खेत कैसे लाभ का धंधा बनेगी, समझ से परे है। धान का समर्थन मूल्य 143 रुपए बड़ा है, लेकिन खरीदी केंद्र की दूरी 20 से 25 किलोमीटर दूर कर देने से लोड ट्रॉली खड़ी करने के लिए समतल जगह ना होने से ट्रॉली पलट जा रही है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ खरीदी केंद्र ले जाते हुए धान का ट्रैक्टर एक हादसे का शिकार हो गया, जिससे किसान बाल बाल बचा। आपको बता दें कि रीवा जिले के खरीदी केंद्रों में इन दिनों जमकर मनमानी की जा रही है। खरीदी केंद्र में दलालों का बोलबाला है। जिले में लगभग 1 महीने में अभी तक ना तो धान खरीदी केंद्र में किसानों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकी है, ना ही उनके द्वारा लाए गए धान को सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम किया गया है। रीवा जिले में कई खरीदी केंद्र में किसानों से धान की तोली के भी पैसे लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हमारी टीम ने जब धान खरीदी केंद्र का दौरा किया तो देखिए किसानों ने मीडिया को क्या बताया। खरीदी केंद्र ये किस तरह की समस्या है? हरदी शंकर खरीदी केंद्र है। आज हम निकले हैं कि देखें कि हमारे किसानों के लिए कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। लगातार कई वर्षों से चाहे धान की खरीदी हो चाहे गेहूं की खरीदी हो, हमने हमेशा आवाज उठाई है कि खरीदी केंद्रों में किसानों का बहुत जबरदस्त शोषण होता है। आपने देखा ही है, यहाँ किसानों ने बताया है कि तौल के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, प्रति ट्राली पैसे लिए जाते हैं, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कई बार शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि खरीदी केंद्रों में बैनर लगा दीजिए, बैनरों में स्पष्ट लिखवा दीजिए कि किसानों के तौल के नाम पर कितने पैसे देना है, नहीं देना है, धान खरीदी के क्या मापदंड है। तो कभी भी हमारे यहाँ के जिला प्रशासन से लेके कोई ध्यान नहीं दिया और किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। देखिए, आज इस बार धान का समर्थन मूल्य जो पिछले साल के समर्थन मूल्य से 143 रुपए क्विंटल धान का समर्थन मूल्य बढ़ा है। अब आप सोच सकते हैं 50-50, 25-25 किलोमीटर दूर खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। रात रात भर किसान हमारे ट्रालियों के नीचे सोते हैं, देख रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली पलट जाती है। लगातार किसान उत्पादन करने के बाद, विपुल उत्पादन करने के बाद बेचने के लिए परेशान होते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी खरीदी केंद्रों का दौरा करिए, देखिए वहां पे बैनर लगे हैं कि नहीं। सभी खरीदी केंद्रों में बैनर लगाए जाए, एक बोरी में तौल कितनी होनी है, किसानों को तौल के लिए पैसे कितने देने हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि खरीदी सेंटरों की संख्या और बढ़ाई जाए। स्लॉट बुक कर दिए जाते हैं, एक किसान का स्लॉट आपने बुक कर दिया, 7 से 8 दिन का टाइम रहता है उसके अंदर, उसे अपने धान को लेकर खरीदी केंद्र पहुंचना है। आप सोच सकते हैं इतनी लाइनें लगी हुई है ट्रैक्टर स्लॉट बुक करने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति रही तो यहाँ के किसान समर्थन मूल्य पे धान की बिक्री नहीं कर पाएंगे। हमें पुनः आग्रह है प्रशासन से कि सभी खरीदी केंद्रों का दौरा करें और किसानों को मूलभूत सुविधाएं, पानी पीने का, बैठने के लिए छांव अलाव की व्यवस्था, और हर खरीदी केंद्रों में इस आशय के बैनर लगाए जाएं कि किसानों को तौल के नाम पर कितने पैसे देने हैं। सरकार चुनाव के पहले क्या घोषणा की थी? 3100 रुपए कि कहा था सरकार ने कि 3100 रुपए, लेकिन उन्होंने बोनस देने के लिए कहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि किसानों को जो आपने कहा है कि धान का बोनस के रूप में 3100 रुपए प्रति क्विंटल के रूप से दिया जाएगा, उसकी भी कार्रवाई करें। पहले तो बोनस की बात तो है ही है, पहले खरीदी केंद्रों को व्यवस्थित करा दें। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने नवनिर्मित माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, खरीदी केंद्रों में किसानों की भीड़, खरीदी सेंटर और बढ़ाए जाएं, और किसानों के राह खरीदी केंद्रों में अलाव दिए जाए, पानी की व्यवस्था दी जाए, बैठने के लिए छांव दिए जाएं, और इस आशय के बैनर अनिवार्य रूप से लगाए जाएं कि किसानों को तौल के नाम पर कितने पैसे देने हैं। जितने 1000 क्विंटल धान की हर साल खरीदी होती है, उतने 1000 क्विंटलों में आप वही जो बतलाया है किसानों ने आप जोड़ दीजिए, तो न जाने कितने रुपए का भ्रष्टाचार होता है। हमारा किसान वहीं का वहीं रह जाता है। ये हरदी शंकर खरीदी केंद्र जी। पंकज सिंह, क्या लेकर आए हैं आप? है ना, धान लेके आए थे यहाँ पे। कौन सी खरीदी केंद्र है ये? हरदी शंकर खरीदी केंद्र है, पूरे वेयर हाउस करके। कब लेके आए थे जी? यहाँ मैं परसों रात में आया था, सुबह टाइम 10-11 बजे। क्या समस्या आ रही है आप लोग? यहाँ समस्या तौलाई की समस्या आ रही है यहाँ पे, है ना, देख रहे हैं सामने यही पड़ा हुआ है, ऐसे ही हालत सबकी है। कौन प्रभारी है और यहाँ के कौन प्रबंधक? यहाँ प्रभारी तो हमको जानकारी ज्यादा नॉलेज नहीं है, है ना, रमेश करके ऐसे कुछ है यहाँ पे, अधिकारी बहुत सारे यहाँ पे हैं, किसको बोलते हैं नाम नहीं जानते। समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या यहाँ तौलाई की बहुत समस्या आ रही है, है ना, वाहन न यहाँ कोई सुविधा है, शासन द्वारा जो सुविधा है कुछ भी नहीं है, अलाव की व्यवस्था पानी कोई नहीं है, रोड में हम लोग ट्रैक्टर खड़ा कर पड़ते हैं, एक्सीडेंट का इतना चांस होता है, वाहन यहाँ निकलते हाईवे है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे।
रोड पे हम लोग खड़े ट्रैक्टर लगा के रोड टाली के नीचे लेटते हैं, कोई आके वाहन आके कुछ भी कर दे, कोई यहाँ समझते नहीं। तीन दिन से आप लोग परेशान हैं, कितने लोग होंगे लगभग टोटल? यहाँ कम से कम ना होंगे तो हजारों आदमी है, हजारों ट्रैक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, हजारों से ऊपर ही संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पे है। क्या नाम है जी? पंकज सिंह। मेरा नाम तो राजकुमार कुरी है। कब से आप लोग यहाँ पर आए हैं? अभी तो मैं आज ही आया हूँ, लगभग मैं किराया चलाता हूँ। किस तरह की समस्याएं हो रही है आपको? समस्या अभी यही है कि जो सभी लोग पड़े हैं, नंबर से हो गया, जो जैसा पाए वैसे गाड़ी लगा रहे हैं। टोल में कितने रुपए लिया जा रहा है बता रहे हैं? टोल में तो टोल के लेबर 13 रुपए कुंटल लेते हैं, और जो भी है तो 500 रुपए प्रति ताली, 500 रुपए टाली ले रहे हैं एक टाली का। शासन से का कोई वो नहीं है? नहीं, शासन से वो कोई नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीवी न्यूज़।